नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे पौधे के बारे में जो आपके शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा, बिल्कुल ही फ्री में, एक रुपए का खर्चा नहीं करना है, शरीर को कोई नुकसान नहीं है और बिल्कुल खत्म कर देगा। तो अगर आप शुगर से पीड़ित हैं तो उसके क्या लक्षण है वो भी मैं बताऊंगा, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको शुगर है, मधुमेह है या नहीं है, और है तो उसका सिंपल सा इलाज, बिल्कुल ही सिंपल फ्री का इलाज है, जो कि 15 से लेकर के 90 दिन के बीच में आपके शुगर को जड़ से खत्म कर देगा। तो आइए ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए थोड़ी सी बात कर लेते। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जितने लोग पीड़ित हैं आजकल शुगर की बीमारी से, हर खास और आम, पहले तो ये होता था कि 40 साल से ऊपर की एज में जाके ये होता था, लेकिन आज जो है 15 साल का बच्चा है वो भी मधुमेह से पीड़ित है। तो सबसे पहले जानते हैं हम इसके लक्षण क्या है। अगर आपको मधुमेह है, कोई जख्म होता है तो वो जख्म जल्दी हील नहीं होता, आपका मतलब जल्दी भरता नहीं है, काफी लंबे टाइम तक वो नासूर सा बना रहता है, आप ट्रीटमेंट कराते रहते हैं वो भरता नहीं है। अगर ऐसा है तो शुगर टेस्ट जरूर करवा लें। दूसरा, बार बार पेशाब जाना, थोड़ी थोड़ी देर पे जाना, तो ये भी एक इसका लक्षण है। कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत घबराहट महसूस होती है, खाना कुछ देर ना खाया हो, मतलब देर हो जाए तो घबराहट महसूस होने लगती है, बिल्कुल बेहोश से होने लगते हैं। अगर ये लक्षण है तो भी आपको शुगर हो सकता है। इसमें ये जरूरी नहीं कि कोई मोटा आदमी हो उसी को शुगर हो, ये पतले को, दुबले को, मोटे को, जवान को, बच्चे को, सभी को हो सकता है आज के टाइम में। तो इसको हम आगे आते हैं कि ये पौधा कौन सा है और इसका ट्रीटमेंट हम फ्री में कैसे कर सकते हैं। ये ध्यान से देख लें, बहुत ही हरा भरा पौधा है ये, और इसका हम इस्तेमाल करते हैं शुगर को ठीक करने के लिए। कैसे करते हैं, ये पत्ता आपने 2 पत्ता डेली खाना है 15 दिन। 15 दिन में आपका शुगर कंट्रोल हो जाएगा, आप देखेंगे 15 दिन में मात्र 2 पत्ता डेली खाली पेट सुबह खाने से शुगर कंट्रोल हो जाएगा आपका। दूसरा तरीका भी इसका मैं बता देता हूँ, एक तो ये तरीका है, दूसरा क्या है, इसके पत्ते को कूट के काढ़ा बना सकते हैं आप। काढ़ा देखिए किस तरह का होता है, इस तरह का काढ़ा है, इस तरह का जब बॉईल करेंगे पानी में तो ये आपका इस तरह का टेक्सचर आ जाएगा, और इसको आपने पी लेना है, 2 से 4 पत्ते का काढ़ा बना के पी लेंगे। लेकिन जो आपको ताज़ा पत्ता खाने से बेनिफिट मिलने वाला है वो इससे कम मिलेगा, क्योंकि ये जो आप बॉईल कर लेते हैं तो बॉईल करने के बाद उसके जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो कम हो जाती है, और जब ये ताज़ा खाते हैं आप तो बहुत बढ़िया न्यूट्रिशन वैल्यू या जो मेडिसिनल वैल्यू है वो ज़्यादा मिलती है आपको। तो इसको आपको इस तरह से खाना है, पहले ताज़ा पत्ता ले लें उसको खा सकते हैं, दूसरा मैंने बताया काढ़े के रूप में, तीसरा इसको अगर नहीं तो इसको चटनी के रूप में खा सकते हैं, चटनी भी इसकी बन जाती है बड़े आराम से, तो उसके रूप में भी इसको खा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी न किसी रूप में आपको लेना है। 15 दिन तक अगर ये 2 पत्ता डेली खाते हैं आप खाली पेट, तो समझिए कि शुगर जो है आपके कंट्रोल में, मतलब लेवल पे पहुंच जाएगा, उठेगा नहीं। और अगर ये 90 दिन तक कंटिन्यू रखते हैं तो शुगर आपके शरीर से, शुगर की बीमारी जो है लेवल अप डाउन का, वो खत्म हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम, नाम जो है इसका मधुनाशिनी या इंसुलिन प्लांट, मधुनाशिनी या इंसुलिन प्लांट का नाम है इसका, ध्यान से सुन ले, मधुनाशिनी, शक्करनाशिनी या इंसुलिन प्लांट बोलते हैं। तो जो आपकी इंसुलिन की गोलियां खाते हैं शरीर में देने के लिए, उसमें काफ़ी कुछ और मिला होता है जो नुकसान करता है, तो इसका भी एक एक्सट्रैक्ट जो उसके दवाई के अंदर डाला जाता है, तो आप डायरेक्टली खा लें, डायरेक्टली लगा लें, तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और आपने देख लिया कि किस किस तरीके से हम 3 तरीकों से इसको ले सकते हैं। अब लगाने का तरीका क्या है दोस्तों, लगाने से पहले मैं बता दूं कि ये एक बीमारी के साथ साथ फ्लावरिंग भी बहुत बढ़िया करता है और हरा भरा भी रहता है, मतलब ये देख रहे हैं इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत फूल आएगा। तो फूल का फूल, दवाई की दवाई, हरियाली की हरियाली, एक पंथ 2 काज नहीं, यहाँ पर 3 काज हो जाता है आपका। और ये लगता कैसे है उसकी पूरी विधि मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये जो पौधा है इसको लगाने का तरीका क्या है इसका, जैसे अदरक होता है उसी तरह से इसके बल्ब होते हैं, नीचे गांठें होती हैं अदरक की तरह, मैं दिखा देता हूँ आपको, एक पौधा हमने ये निकाला है। और एक बार ये पौधा आप लगा लेंगे तो आपको सालों साल जो है ये चलता रहेगा, बस सर्दियों में आपने बचाना है, पानी की मात्रा कम रखनी है इसमें, और बहुत बढ़िया चल जाएगा आपका। तो प्लांट लगाने का तरीका देखिए क्या है, ये बिल्कुल अदरक की तरह होता है, अदरक आपके घर में जिंजर देखा है, बिल्कुल जिंजर की तरह इसके बल्ब होते हैं, उसको एक बल्ब को आप लगाएंगे तो 1 साल के अंदर ही उसमें से 5 से 7 पौधे निकल जाएंगे। जैसे देखिए, हमने एक पौधा जो है ये 6 महीने पहले इसको लगाया था, और ये दूसरा पौधा देखिए,
ये 2 साल पुराना पौधा है हमारा। 2 साल में देखिए इसके नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी भर गई हैं, और ये ज़्यादा नहीं 6 इंची गमले में लगा हुआ है आपका, 6 इंची गमले के अंदर इतना फुटाव है। तो ये भी हम ऐसा ही 6-8 इंची का गमला ले रहे हैं और इसके अंदर लगाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं बता दूं, देखिए किसमें से कितने फुटाव आए हैं। एक फुटाव ये आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, तो 7-7 फुटाव जो है इसके अंदर से चल गया है। और आप लगा करके सालों साल इसको रख सकते हैं, बस आपको सर्दी से बचाना है। सर्दी में ये पानी ज़्यादा नहीं चाहता। इसके लिए सॉइल कैसी चाहिए? वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। वेल ड्रेन का मतलब क्या है आपका, कि जब आप गमले में पानी डालेंगे तो इसके रूट को टच करके पानी निकल जाए, या फिर पानी ही कम डालिए। तो पानी कम डालेंगे तभी बचेगा, अदरवाइज ज़्यादा पानी रहेगा इसके अंदर, पानी यहाँ खड़ा हो गया तो ये पौधा आपका मर जाता है। तो दोस्तों बहुत ही ज़रूरी पौधा है ये, इसको ज़रूर आप अपने घर में लगा लें, आज ही लगा लें। नर्सरी से मिल जाएगा या ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, और इसको लेकर के इसका इस्तेमाल करें। मैं बता रहा हूँ 15 दिन के अंदर आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन शर्त यही है कि कच्चा पत्ता तो आपने चबा के खा लेना है इसका। तो ये है मधुनाशिनी या हमारा इंसुलिन प्लांट। इसको लगाने का सिंपल सा तरीका, सिंपल मिट्टी रखिए, वेलड्रेन बता दिया है, इसको देखिए ऐसे बीच में होल करेंगे और इसका पूरा जो जड़ समेत जो एंटर कर देना है। ये मिट्टी जो है सिर्फ आपके इस जड़ तक ही रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको फिट कर देना। अब यहाँ भी जो हमने 6 महीने में लगाया था, इससे हमने 2 पौधे कन्वर्ट कर दिए, मतलब एक पौधा ये लग गया और एक ये और लगने को तैयार हो गया। तो अगले साल तक ये दोनों जो है पूरे फल फूल जाएंगे, और आपके घर में जो ये फ्री की दवाई अपने घर में आप प्राप्त कर सकेंगे ताजी, जिससे आपकी आंखों को कोई नुकसान नहीं है, किडनी को कोई नुकसान नहीं है, जो कि एलोपैथी दवाई खाने से अक्सर पड़ जाया करती हैं। धन्यवाद दोस्तों बने रहने के लिए। आगे शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी जाए और सभी का इसमें बेनिफिट हो सके। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया।